नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 नवंबर को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास को सुधार कर उसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हां, उन्होंने कहा कि इतिहासकारों और छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों में 150 साल से ज्यादा शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाली 300 से अधिक विभूतियों पर शोध कर सच्चा इतिहास लिखना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि अगर लचित बोरफुकन ना होते तो पूर्व उत्तर भारत का हिस्सा ना होता, क्योंकि उस वक्त उनके लिए लिए गए निर्णयों और उनके साहस ने न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को धर्मांध आक्रांताओं से बचाया। उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन के उस पराक्रम का उपकार पूरे देश, सभ्यता और संस्कृति पर है। बता दें कि वह अहोम साम्राज्य के महान जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा से अनुरोध किया कि लचित बोरफुकन के चरित्र का हिंदी और देश की 10 अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए, ताकि देश का हर बच्चा उनके साहस और बलिदान से अवगत हो सके। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ की समर्थक है। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने वाले विवाद से बाहर निकलकर इतिहास को गौरवमय बनाकर पूरे संसार के सामने रखना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता के इतिहास के नायकों के बलिदान और साहस को देश के कोने कोने में पहुंचाने से हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। शाह ने कहा कि जिस देश की जनता को अपने इतिहास पर गौरव होने का बोध ना हो, वो अपना सुनहरा भविष्य कभी नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि अगर देश का स्वर्णिम भविष्य बनाना है तो देश के इतिहास पर गौरव होना बहुत जरूरी है। इस तरह अमित शाह ने तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास को बदलने पर जोर दिया, जिससे कई लोगों को मिर्ची लग सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव के साथ। धन्यवाद।